गाइस, सुबह आपसे मिल चुकी हूँ और अभी है टाइम नाश्ता का। आज मैंने ना नाश्ता करने के बाद आपसे नहीं मिली, आज मैं नाश्ता करने से पहले मिल रही हूँ। और नाश्ते में बता, आपको पता मैं बहुत चटोरी हूँ किस चीज़ की, चाय पराठा अचार। तो अभी भी वही खा रही हूँ, चाय पराठा और अचार। और अचार जो है ये वही वाला है जो मेरे हस्बैंड मेट्रो मॉल से लाए थे, और उसका ना मसाला, आपसे बात करते करते मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ये देखिए अचार, तो ये पराठा, एक कप चाय, साथ में अचार, ये होती है हमारे दिन की शुरुआत। नाश्ता शांति से, प्यार से, आराम से हो जाना, उसके बाद पूरा दिन बन जाता है। अगर सुबह सुबह कोई छेड़ दे और मेरा नाश्ता खराब हो जाए, मैं सारा दिन बैंड बजा देती हूँ। इसलिए नाश्ता आराम से करती हूँ। अब कब मिलूंगी मैं आपसे नाश्ता करने के बाद। मैं आरव को लेकर आई हूँ स्कूल से, और अभी एज यूजुअल जो हमारी फेवरेट प्लेस है गन्ने का जूस पीने लगे हैं। गन्ने का जूस, पूरी गर्मी इतनी है, इतनी उमस हो रही है, पूरा भीग जाते हैं सर से पैर तक। तो गन्ने का जूस पी के ठंडा ठंडा थोड़ी राहत मिलती है, और फिर अब घर पहुँचेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर बनाया जा रहा है गन्ने का जूस, तो अभी पीते हैं ठंडा ठंडा बड़ा ग्लास भर के, और फिर मिलते हैं घर पे। इसमें आरव को स्कूल से ले आई हूँ, आप हालत देख ही रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, गर्मी से पसीने से बहुत बुरा हाल है। और खाना मैंने उसको दे दिया, अब मैं अपनी कुर्सी का इलाज करने लगी हूँ। मैंने देखिए वो जो आपको बताया था ना, जो स्लीपर थी एक पैर की, वो मैंने आगे से फाड़ दी। ये थोड़ा थाड़ी ये काम मैं बड़े अच्छे से करती हूँ, तो इसको अब मैं फाड़ के उसमें लगाने की कोशिश करती हूँ, रबड़ अटका के, शायद ये ठीक हो जाए। ये देखिए वो कटिंग एक इधर लगा दी मैंने रबड़ अटका के, और ये देखिए आपको रबड़ दिख रहा होगा, एक यहाँ लगा दी। तो अब ये दोनों तरफ से अगर दीवार से टकराएगा भी, तो इसके एजेस से दीवार पे ये निशान नहीं बनेंगे। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, राइट। पड़ी हुई वेस्ट एक जोड़ी चप्पल, मतलब एक पैर की चप्पल से ये सोल्यूशन हो गया, और अब मैं उसको फेंक दूंगी तो किसी काम की रही नहीं। और अब खाना खा के मैं मिलूंगी आपसे नहा धो के। और खाने पता क्या खा रही हूँ, दही चावल और साथ में खीरा काटा है। हाय, बड़ी गर्मी है, कुछ नहीं खाया जाता। नहा धो के रेडी होके आपसे मिलूंगी। बाय। A few moments later. Welcome back guys. Finally, मेरा आधा व्लॉग तो ऐसे ही अनटाइडी हालत में गंदी सी शक्ल लेकर बन जाता है, और आधा व्लॉग मेरा बनता है नहाने धोने के बाद। तो वो आप झेलते हो तो आप ये भी झेल ही लोगे। और आज मैंने सूट पहना है, तो इसलिए मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है सूट के साथ मैचिंग ग्रीन कलर की। और घर में दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा कोई है नहीं घर पे, जब कहीं जाऊंगी तो दुपट्टा ले लूँगी। फिलहाल आज मैंने सूट पहना है क्योंकि कट स्लीव्स है, गर्मी से बड़ी राहत मिलती है इस कॉटन के सूट में। ये देखिए गाइस, आज मैंने सिंपल सोबर डिसेंट सा कॉटन का सूट पहना है, और ये बहुत कम्फर्टेबल है, कट स्लीव्स है तो बहुत अच्छा लगता है, कम्फर्टेबल। और अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रूनो की रोटी। आने से पहले इस बच्चे को भी खाना खिला दें। गाइस देखिए, बच्चों के जाते ही, मतलब सारे नहीं गए, भी थोड़े ही गए हैं, और ये माशे जी बैठेंगे अब अपना आराम से। कौन आया, ये आराम से बैठ के अब तफरी कर रहे हैं। और अभी सारे बच्चों की छुट्टी नहीं हुई है, टाइम हो रहा है 8:15, और अभी सब बच्चों की छुट्टी नहीं की है, क्योंकि जो घर पे बहुत पढ़ते हैं ना उनको हमने रोक लिया। हमने कहा ज़्यादा घर पे मत पढ़ो, थोड़ा हमारे पास ही पढ़ लो। और कपड़े मैंने दोपहर को, कपड़े दोपहर को धोए थे, वो मशीन में ही है, वो भी डालने लगी हूँ। फिर दाल को तड़का लगाऊंगी, और मेरा ना आज आलू गोभी खाने का बड़ा मन हो रहा है, क्योंकि बड़े दिन से, आई मीन ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया ना आरव, हमने आलू गोभी नहीं बनाई है। गोभी पड़ी हुई है, मैंने ली थी, इसकी तो ना सुई एक ही जगह अटकती है। चिकन बना लो, अंडे बना लो, मैं तो पक गई चिकन खा के। तो मैं आज बनाऊंगी अपने लिए, स्पेशली फॉर मी, आलू गोभी। इसको खाने खाए, नहीं खाना ना खाए, तो दाल इनके लिए बन जाएगी, तड़का लगा लूंगी। तो पहले कपड़े डालते हैं मशीन में से निकाल के, और फिर सबसे पहले पहले ब्रूनो को कुछ खिलाती हूँ, उसके बाद कपड़े डालती हूँ। गाइस आज बड़े दिनों के बाद आलू गोभी मैं बनाने लगी हूँ, और आपको मेरा आलू गोभी का तरीका तो पता ही है। ये देखिए, प्लेट में सब कुछ काट के रख दिया मैंने, गोभी, आलू, प्याज, टमाटर सब एक साथ डाल दूंगी, नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा आमचूर डालूंगी, पानी डाल के उसको ढक दूंगी, वो अपने आप बन जाएगी, मुझे कुछ करना ही नहीं। तो ये काम करके मैं रूम समेट लूँ, क्योंकि खिलारा बहुत मचा हुआ है। ये देखिए गाइस, मैंने प्लेट में आलू और गोभी धो के काट लिए, ये हैं लंबे लंबे प्याज, ये हैं टमाटर, और यहाँ सरसों का तेल अच्छे से सड़ जाएगा तो उसकी बदबू निकल जाएगी, ये है मेरी ब्लैक कॉफ़ी जो मुझे एक्टिव रखती है। तो जीरा और हींग मैं डालूंगी, जीरा भी ख़त्म हो रहा है यार, मंगवाना पड़ेगा। तो जीरा हींग डाल के मैं सारी कटी हुई सब्जियाँ इसमें डाल देती हूँ। गाइस ये देखिए, मैंने आलू गोभी प्याज टमाटर सब डालकर एक साथ काटा, एक साथ डाला, देखो ये शुरू हो गया। नमक मिर्च हल्दी और आमचूर डाल दिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, ये गया एक छोटा कप पानी का, और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी, और हमारी आलू गोभी रेडी। कितनी मुश्किल रेसिपी है। फाइनली आलू गोभी भी हो गई और दाल को भी तड़का लग गया। ये देखिए हमारी आलू गोभी भी रेडी है। अरे कितना डांस करती है ना कढ़ाई गैस के ऊपर। ये देखिए, ये हमारी आलू गोभी रेडी है, और आप देख रहे हैं आलू अच्छे से गल गए हैं। और दूसरी तरफ मैंने लगाया है दाल को तड़का, ये आपको पता ही है,
सिर्फ इसमें प्याज टमाटर नमक मिर्च हल्दी, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती क्योंकि मेरे हस्बैंड को मूंगी मसूर की दाल में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं पसंद। तो ये दाल और आलू गोभी, सुबह का काम खत्म। गाइस अब बारी है रात को 10 बजे धुले हुए कपड़े डालने की। स्टैंड मैंने आज बाहर लगाया, मैं जब बाहर स्टैंड लगाती हूँ ना बारिश शुरू हो जाती है, तो आज तो बाहर ही लगाऊंगी, मेरा सर पे कपड़े लगते हैं। अब ये स्टैंड मैंने यहाँ खोल दिया है कपड़ों का, और ये कर्टेन किया हुआ है हमने ताकि ऊपर हीट ना जाए, एसी का बहुत जो हीट निकलती है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये कपड़े पड़े हुए हैं तो अब इनको डालते हैं स्टैंड पर और होते हैं फ्री। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30 और खाना वाना जस्ट अभी निपटा ही है, तो बस अब नींद तो बहुत आ रही है, बट आज जल्दी सोना नहीं है, मैंने मूवी देखनी है फिर बिग बॉस देखना है, तो आराम से 2:30 बजाएंगे, सुबह 12 का स्कूल ऑफ है, तो ये टाइम होता है जब फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। तो चलिए अब है फैमिली टाइम, और मिलती हूँ मैं आपसे कल अपने नए ब्लॉग में, बट कल सुबह 7:30 नहीं मिलूंगी, आराम से मिलूंगी। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और ये फेस पे वो कितना ऑयल नज़र आ रहा है ना, ये सब अभी क्लीन किया जाएगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।